अच्छा तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने क्या समझ क्या रखा मेरे को है? नहीं पागल हो गया मैं कि तू मेरी वाइफ सिर्फ नाम की है, मैं तेरे साथ पति की तरह नहीं रह सकता। मैंने कितनी बार कह दी मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ज्यादा मेरे साथ में बकवास करी ना तो मैं तुझे घर से उठवा दूंगा, ध्यान रख लियो। और कहां गायब करूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। साफ साफ क्लियर करो तुम चाहते क्या हो, किससे प्यार करते हो मोहित, बताओ। मोहित बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं सपना से प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ, मैं नहीं भूल पाया ऐसे, मैं क्या करूँ। हेलो सपना, अरे ये क्या कर रहे हो आप, प्लीज ये सब मत करो। ऐसे कैसे मैं ये सब ना करूँ, जिसके लिए ये सब करना पड़ रहा है वही आप मेरे को भाव नहीं देता आपकी वजह से, तो फिर मेरे को ये सब करना पड़ेगा ना। आप समझ नहीं रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। मैं ऐसा कैसे ना करूं, मेरा पति आपसे प्यार करता था ये बात मुझे नहीं पता थी, और अब मुझे पता चली है कि आपके वजह से, आपके प्यार की वजह से मेरा पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आपके 3 साल के रिलेशन ने मेरी 2 साल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं ऐसे कैसे ना करूं। कोई नहीं, आप पहले बैठो, 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 बैठो। देखो सपना, मैंने तुम्हें परेशान किया कॉल करके, उसके लिए सॉरी, लेकिन बेचारी पिछले 10 दिन से मेरे पास रो रही है, और 2 साल तक इसकी जो ज़िंदगी झंड हुई है, इसका पति बस इसको नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे प्यार का इफेक्ट है, अब इस चीज़ को हम इग्नोर कर नहीं सकते जी। अगर तुम यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच, तो हमारी मदद करो। और कुछ चीज़ें हैं इसके दिल में, वो बोलना चाहती है, और हम उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोगों को अकेले छोड़ देंगे। देन आपका पति कितने देर में यहाँ आ रहा है? मेरा पति आएगा 10-5 मिनट में। हाँ, तो उससे पहले हम लोग कन्वर्सेशन कर लेते हैं, और ये बस इतना चाहती है कि तुमसे कुछ शेयर करना चाहती है, जो आपने बोला था कि मैं पर्सनल उससे मिल के बात करूँगी, आप खुद कर लेना, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें आप लोग संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं कैमरा लगाया हूँ, वहाँ सामने देख लो, कैमरा भी लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट मुझे बैठने दो। आप चीज़ें को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 क्वेश्चन करूँगा, देन इसका पति आ जाए उससे पहले हम चाहते हैं बात कर ले आप दोनों आपस में। स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो दोस्तों, मैं मासूम, और हमारे बीच बैठी हुई है सपना, और इस साइड बैठी हुई है कुसुम। कुसुम जिस लड़के से मतलब शादी की थी 2 साल पहले, जिसका नाम मोहित था, मोहित इसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। मतलब एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो इसके बीच नहीं है, बस एक नौकर का रिश्ता बन के रह चुका है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि एक लड़की थी जिससे वो इनका पति प्यार करता था शादी से पहले, वो आज भी इन्हीं से प्यार करता है। तो मतलब क्या हुआ था, आप दोनों की ब्रेकअप क्यों हुए थे, आपको छोड़ के क्यों गया था, ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं, रिलेशन ठीक चल रहा था, बट अचानक सडनली वो चले गए छोड़ के उसके। हाँ, तो अभी मुझे पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है। आप एक चीज़ बताओ, अब ये चीज़ आपको पता चला आज से कुछ साल पहले, हाँ जी, अब आप क्यों आए हो? आप तो आपका अपना पूरा दुनिया बसा चुके हो, आप किस वजह से यहाँ आए हो? बिल्कुल, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैं उस इंसान की वजह से आई नहीं हूँ जिसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, ठीक है? बट मैं आई हूँ बिकॉज कुसुम जी ने मुझे बुलाया। तो आप चाहते हो कि मतलब इनकी जीवन नहीं खराब हो? हाँ, मैं ये चाहती हूँ इनका जीवन ना, और आपके अंदर भी कुछ भड़ास है वो निकालना चाहते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। अब आप क्या चाहते हो अपने पति से, जो भी चाहते हो, हम तो यहाँ पे नहीं बात करेंगे, लेकिन इतना बता दो कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कैमरे पर मैं जानना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे पति मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी एक्स की यादों में खोए रहते हैं, और हमेशा दारू पीकर आते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मेरे साथ नौकरानियों की तरह ट्रीट करते हैं वो एकदम। ठीक है, आपने बोला था कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपको जो बात करना है आपके सामने बैठी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप जो भी है दिल से बात कर लो, बाकी हस्बैंड तो आ ही रहे हैं आपको, उनसे इनका बात करवा देना, बाकी चीज़ें दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, इनके हस्बैंड का वेट करेंगे, फिलहाल ये दोनों बात करेंगे आपस में, ठीक है? आप लोग बात कर लो। ये सपना जी, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे पति आपसे ही प्यार करते हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं,
वो सिर्फ अभी भी आपको ही चाहते हैं और मेरे उनकी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए एक पत्थर की मूर्ति बन के रह गई, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूँ? मैं ये चाहती हूँ कि आप उनके लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, ऐसा नहीं, या फिर आप उनको बिल्कुल उन छोड़ दो, या फिर आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, बस मुझे नहीं पता। मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ और मैं भी सुखी रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा पति परेशान रहे, प्लीज़। आप मुझे ये बताओ, मैं उनकी लाइफ में वापस कैसे जाऊँ जब उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ किया, आपके लिए मुझे छोड़ा, तो मैं कैसे? थोड़ा बहुत तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती? मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बस आपसे ही प्यार करते हैं वो, आप समझने की कोशिश करो सब। आप समझने की कोशिश करो ना मैम, मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो दुखी रहें या वो परेशान रहें, बस आप। तो आप ये चाहते हो कि उसके साथ रह के मैं दुखी और परेशान रहूँ? सपना जी, आप नहीं दुखी रहोगी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ प्यार करता तो वो आपसे। बहन प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। एक मिनट बहन, फोन आ रहा है, शायद मोहित का होगा, मैं देखती हूँ। मोहित का है, मैं आपके सामने बात करती हूँ। हेलो, कहाँ पर हो कुसुम? मैं पार्क के पीछे की साइड बैठी हूँ। मैं पार्क के गेट पे खड़ा हुआ था। आप पार्क के पीछे की साइड आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगी। चलो ठीक है, मैं वहीं की साइड में आता हूँ। ठीक है। सपना जी, मोहित जी आ रहे हैं, प्लीज़ आप एक काम कीजिए, अभी आप थोड़ी देर के लिए उधर चले जाइए, फिर मैं उनको बुला के आपसे बात कराती हूँ। ओके, आप थोड़ी देर के लिए उधर चले जाइए। मैं, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने क्या समझ क्या रखा है मेरे को, हैं? नहीं पागल हो गया मैं? के पीछे घूमूंगा मैं, हैं? आप एक बार आप समझ नहीं, देख सुन, तू मेरी वाइफ जरूर है लेकिन सिर्फ नाम की, मैं तेरे साथ रह नहीं सकता, समझे? मैंने आज आपको मैं तुझे लास्ट टाइम समझा रहा हूँ कि तू मेरी वाइफ सिर्फ नाम की है, मैं तेरे साथ पति की तरह नहीं रह सकता, समझे? और बार बार ये जो तू मुझे जहाँ मर्जी बुला लेती है ना, जहाँ मर्जी बुला लेती है, ये मत करा कर। ये बातें घर पे भी हो सकती थी ना, हो सकती थी ना, हो सकती थी, पर मैंने आपको फिर यहाँ पे काहे के लिए बुलाया तूने मुझे? मैंने आपको जरूरी बात करनी थी। तुझे पता कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पे? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? एक बार आप बैठो तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। बातें घर पे भी हो सकती थी पर मुझे अभी करनी थी, ये बात अभी करना जरूरी था। प्लीज बैठो, देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी बर्बाद हो, प्लीज आप चाहते क्या हो आज मुझे बता दो, प्लीज क्या चाहते हो? एक, मैंने तुझसे शादी कर ली इतना ही काफी है, तूने मेरे नाम का सिंदूर लगा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, समझे? और तू सोचे कि मैं तेरे को डिवोर्स दे दूं, वो मैं नहीं दे सकता। आप ना मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ घर पे आते हो, खाना खाकर चले जाते हो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे चल के क्या होगा, हम ऐसे ही रहे तो? मेरे से उम्मीद मत कर, मेरे से उम्मीद मत कर, तेरे को घर में रहना तो घर में रह, तेरे को घर पैसा जो भी चाहिए तेरे को मिलेगा, लेकिन तू मेरे से प्यार की उम्मीद मत कर। मैं क्यों ना करूं उम्मीद, मैं हमेशा ऐसी रहूं क्या, और आप भी ऐसे रहोगे क्या? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा और ना मैं मांगूंगा। मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे ना सोचूं, मैं हमेशा ऐसे थोड़ी ना रहूंगी। आप बात को समझते क्यों नहीं हो, हमेशा बस अपनी बातें करते हो। देख मैं तुझे डिवोर्स नहीं दे सकता, ठीक है? तुझे पैसा चाहिए, घर गाड़ी जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दे सकता। मैं अलग भी नहीं होना चाहती हूँ, पर आप मेरे से कम बात तो करो, मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे से बातें तो करो। क्या बातें करूँ मैं तेरे से, मेरे पास तेरे लिए कोई बातें नहीं है, मैं तेरे से क्या बातें करूँ, मुझे बताना। क्यों नहीं करते हो? नहीं कर सकता मैं तेरे से बातें। अभी भी उसकी याद आती है क्या आपको? तू पागल हो गई है क्या? किसकी याद आती है मुझे? आप सब समझ रहे हो, आपको सब पता है। मुझे किसी की याद नहीं आती। आपको सब पता है, आपको याद आती है उसकी अभी भी? बोलो, उसकी याद आती है कि नहीं आती अभी भी? हाँ ठीक है, याद आती है, करता हूँ मैं आज भी उससे प्यार, क्या करूँ मुझे बताना। तो फिर नहीं बुला सकता मैं उसे? तो फिर आप उसी के साथ रह लो ना, मेरे साथ क्यों? सिंपल सी बात यह है, मेरे माँ बाप ने तेरे साथ में शादी करी है और ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता और मैं तेरे साथ में
एक मियाँ बीबी के रिश्ते के हिसाब से रह भी नहीं सकता, सिंपल सी बात ही है। प्लीज झूठ मत बोलो, अभी भी आपको उसकी याद आती है, मेरे को पता है। मैंने एक बार बोला, समझ में नहीं आ रही तेरे? आपको अभी भी नहीं आती मुझे किसी की भी याद? और वैसे भी वो मेरा पास्ट था, भूल चुका हूँ मैं उसे। आप नहीं भूले हो, अभी भी आप उससे प्यार करते हो, और मैं ये 100% कह सकती हूँ आप अभी भी उससे प्यार करते हो। नहीं करता मैं किसी से प्यार, अब मर चुका है उसके लिए मेरे मन में प्यार। आप मेरी कसम खा के बोलो कि आप उससे प्यार नहीं करते। तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरे से एक बार कह रहा हूँ, आप एक बार मेरे को बता दो आप क्या चाहते हो। आप उसके साथ रहना चाहते हो तो भी बता दो, मैं अलग हो जाऊंगी आपकी खुशी के लिए, पर आप प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने तुझसे बोला ना, मैं तुझसे डिवोर्स भी नहीं ले सकता और मैं तेरे साथ में भी नहीं रह सकता। मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, बस आप खुश रहो, मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो, आप चाहे मेरे उसके साथ रहो चाहे मेरे साथ। मैं खुश हूँ, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुझे एक बार समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने कितनी बार कह दी मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ज्यादा मेरे साथ में बकवास करी ना तो मैं तुझे घर से उठवा दूंगा, ध्यान रख लियो, और कहां गायब करूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मत बोलो प्लीज, तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है समझे, और ज्यादा दिमाग खराब करा ना गला घोट दूंगा मैं तेरा। मोहित क्या कर रहे हो यार? ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने ही बुलाया उनको यहाँ पे। तेरा दिमाग खराब हो गया? आप उसमें क्यों चिल्ला रहे हो? आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, अभी भी आप उससे प्यार करते हो, बोलो। मैंने तुझे बोल नहीं दिया, एक बार बोल दिया ना, एक बात को 36 बार बोलूंगा क्या मैं? आप बोलो, आप उनसे बात करो, आप क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। एक बार देखो उन्हें क्या चाहते हो, और अपनी हालत देखो और उससे मिलो, आप बात करो दोनों, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ बैठ के जवाब दो बातों का। बताओ क्या चाहते हो आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं कुछ नहीं चाहता। कुछ तो चाहते होंगे ना, पहले आपने मेरी लाइफ बर्बाद की, आप इनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, और कितनों की लाइफ बर्बाद करोगे आप? कुछ नहीं चाहता। यही है क्या? हाँ जी। हेलो भाई। अरे कौन? मैं मासूम, मेरी बहन है। मेरे भाई है। क्या चल रहा भाई? कुछ नहीं चल रहा। शादी हुई थी ना 2 साल पहले? हाँ हुई थी। तो फिर इनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, क्या चल रहा है? मतलब कुछ नहीं चल रहा है, जब मैंने इनको अपने घर में सपना, रियल लाइफ में अपना नहीं कोई। हाँ, जब मैंने इनको कह रखा है घर में रहो। क्या जादू किया है आपने? मैंने क्या जादू किया है? तो आपके लिए इंसान मेरे को धोखा दे चुका है, अपनी लाइफ में खुश है। तो यही तो पूछ रहा हूँ इस बंदे से, बताओ भाई, तुम्हारी 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुके हैं, बिना कोई रीजन का तुमने उसे छोड़ा है। तुम्हारे मुंह में पता है अब एक शब्द नहीं होनी चाहिए सपना के लिए, और इस लड़की को तुम परेशान करो, बैठो, तुम परेशान कर रहे हो। क्या झेल रही है लड़की? मुझे पता है ना, 10 दिन से, पिछले 10 दिन से रो रही है ये, और आज मोहित तुम्हें बताना पड़ेगा असल में तुम्हारे दिल में क्या है और तुम क्या चाहते हो। सपना भी सामने है, तुम्हारी वाइफ भी सामने है, और सुन लो, नहीं बताओगे बहुत बुरा फंसोगे। उधर देखो कैमरा, धमकी दे रहा था ना इसको गायब करने की, वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है, यहाँ माइक लगा हुआ है। इसलिए सोच समझ के कुछ भी जवाब देना, बैठो यहाँ पे। बहुत बुरा फंसे हो तुम आज, बोलो सपना के सामने क्या चाहते हो। अगर आप उनको चाहते हो तो आप उनको चाहो, अगर आप मुझे चाहते हो तो मुझे चाहो, कम से कम किसी एक का होकर रहो। ऐसे एक की याद में मरना और एक को कुछ ना समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। सपना, तुम्हें कुछ बोलना था ना, पूछो। 2 साल पहले क्या किया तुम्हारे साथ, पूछ सकती हो। ये अभी कुछ नहीं बोलेगा, इसके हाथ पैर सब कट चुका है एक तरह से। आप ऐसे किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, आप मेरी 2 साल पहले कर चुके, अब आप उसकी भी कर रहे हो। वैसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा भाई, बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, उसके बाद वही तुमसे
लाठी मार के जवाब पूछेगा। क्यों किया तुमने ऐसे 2 साल पहले मेरे साथ? इसके बारे में बता, क्यों किया तुमने? क्या मजबूरी थी तुम्हारी इससे शादी करने की? बार बार बोलते हो ना मजबूरी में मैंने शादी किया, वो मजबूरी भी बताओ यहाँ पे। इसको बिना कुछ बताए कोई रीज़न दिए तुमने इसको छोड़ा, और आज कह रहे हो कि मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ठीक है, प्यार करते तो बताओ क्यों छोड़ा फिर इसको, जब इससे प्यार करते थे ना, बोला ना इसने प्यार करता हूँ। बताओ चुप क्यों आप? वो मेरी मजबूरी थी उस टाइम। क्या मजबूरी है? तो पूछ रहे ना। सिंदूर तुम उसके माथे पे लगाए हो, वो मजबूरी है? पत्नी बना मजबूरी थी, मैंने अपने माँ बाप के दबाव में आके काम किया। क्या दबाव? एक मिनट, क्या दबाव दिया था? गोली सटाया था क्या, बंदूक सटाया था माथे पे कि शादी कर नहीं तो मार दूंगा, ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ हल नहीं होने वाला, ये पिसती रहेगी जीवन भर, और ये बार बार ये बुलाती रहेगी इसको। साफ साफ क्लियर करो, तुम चाहते क्या हो, किससे प्यार करते हो मोहित, बताओ। मोहित बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं सपना से प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ, मैं नहीं भूल पाया ऐसे, मैं क्या करूँ? फिर मेरी मजबूरी थी, जिस मजबूरी में मैंने सपना को छोड़ के कुसुम से शादी करी, तो इस मजबूरी का शिकार ना मैं बनूंगी ना वो बनेगी। आप एक काम करो, आप दोनों खुश रहो और मैं जा रही हूँ, और डिवोर्स पेपर साइन कर देना, वो मैं आपके घर पे भिजवा दूंगी। हम साथ नहीं रह सकते, सुनो आप। नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, आप रहो दोनों खुश, दोनों साथ में। एक लड़की, अब इसको पता नहीं कितनी लड़कियां खराब करेगा जीवन उसकी। अब चाहते क्या आप, ये बताओ ना। आपने पहली मेरी लाइफ खराब करी, अब उस लड़की की लाइफ भी आपने खराब कर दी है। चली गई ना आपको छोड़ के। पता है तेरे सीने में अगर दिल है ना, तो भाई उस लड़की को ना कम से कम मत तोड़ो, उसके साथ रहो। लास्ट बार बोल रहा हूँ, उसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, हाँ या ना, इसके सामने क्लियर करो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये इंसान नहीं सुधरेगा। आप कभी नहीं सुधर सकते, आपने पहले मेरी लाइफ खराब करी, अब उस लड़की की लाइफ खराब कर दी, अब आगे जाके जिसकी भी लाइफ आपको खराब करनी है आप उसकी करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप पहले भी अकेले थे और आप जिंदगी भर अकेले ही रहने वाले हो, अब यही डिजर्व करते हो। चलो